अस्सलाम वालेकुम। रोश के साथ हमने आज का ट्राई किया कि क्यों नहीं हम पटा टिक्का ट्राई करते हैं। पटा टिक्का इज़ रियली फेमस ऑल ओवर इन पिशावर, और लेडी कोतल से ये स्टार्ट हुआ था और यहाँ भी है। इसमें कलीजी और साथ चर्बी होती है, वो रैप इसमें होती है, उसके हिसाब से भी पटा टिक्का बनता है। तो पटा टिक्के की चीज़ ट्राई करेंगे, आपको दिखाएंगे अपना एक्सपीरियंस। तो जुड़िए हमारे साथ। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल फैज़ान डायरीज़, तो सब्सक्राइब कर दें, अपने भाई को याद करें और चले बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, ये भाई के पास आया, हम ये पटा टिक्का ट्राई करते हैं। ये पटा टिक्का देखें, ये लेयर्स में होता है, ये लेयर्स में कलीजी छुपी होती है इसमें, और फिर ये हिसाब से ये फाइनल बन जाता है। लेयर्स में कच्ची पक्की कलीजी होती है, उसके बाद फिर जब ये फाइनल प्रिपेयर होता है, इसके बाद फिर ये चीज़ बन जाती है इससे, और फिर इसके बाद फिर हम ट्राई करके देखते हैं किस तरह है ये पटा टिक्का, वन ऑफ द फेमस टिक्का आप कह सकते हैं। पटा टिक्का किस जगह का मशहूर है, पेशावर का कि लंडी कोतल का? ये बस सर, ये एक इलाका है ना? एक ही इलाका है। और इसमें क्या कलीजी, आप कलीजी पकी होती है कि नहीं, कच्ची होती है इसमें? अच्छा, दुम्बे की कलीजी होती है। अच्छा अच्छा, और दुम्बे की चर्बी भी इसमें होती है। ओके, ओ ज़बरदस्त। अच्छा ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। चलिए ट्राई करके देखते हैं किस तरह है। अच्छा, पटा टिक्का आ चुके हैं। ओहो, वेरी गर्म, बहुत गर्म है यार। इसमें देखें, ये चर्बी और साथ इसमें रैप हुआ है कलीजी। तो ट्राई करके देखते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओहो ओहो, इसमें कलीजी का फ्लेवर आ रहा है, कलीजी का। चर्बी इसमें बहुत हैवी किस्म की है। मेरे हिसाब से अगर आपको खाना है पटा टिक्का तो खा सकते हैं, लेकिन हैवी बहुत है, मज़ेदार बहुत है, और कलीजी के साथ इसका कॉम्बो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत हैवी है। तो आपको खाना है, आपको दिल के मरीज़ दूर रहे इससे, और जवान बंदा खा सकता है, वो भी कम क्वांटिटी में, लेकिन बाद में बंदा खा सकता है। कभी कभी आपको खाने चाहिए साल में दो बार, लेकिन जायका इसका बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन जायका इसका। वाह, बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया।